जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, आज 14 अप्रैल है और आज 21 दिन का लॉकडाउन जो है ख़त्म होने वाला था, लेकिन आपको बता दें कि ये लॉकडाउन जो है 3 मई तक बढ़ाने की बात पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। मीरा भाईंदर की खबर के बारे में आपको बता दूं कि आज जो है सुबह की शुरुआत जो है, चूँकि आज जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज सुबह सुबह जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त चंद्रकांत डांगे, महापौर ज्योत्सना हसनाले, उप महापौर हसमुख गहलोत, इनके साथ साथ मनपा के कई अधिकारी, इन सब ने मिलकर के जो है बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर जो है फूल की माला जो है चढ़ाई। इसके साथ साथ भाईंदर फाटक पे भी स्थित अंबेडकर बाबा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर वहाँ पर भी जो है इन सब ने मिलकर के जो है फूल की माला चढ़ाई। इसके साथ साथ जो है काशीमीरा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू पर भी फूल की माला चढ़ाई। तो इस तरह से मीरा भाईंदर की दिन की शुरुआत हुई। दोस्तों एक और आपको खबर दे दे कि 14 अप्रैल है आज, और 14 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो आयुक्त चंद्रकांत डांगे द्वारा एक निर्देश जारी किया है कि 14 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक चिकन मटन फिश इन सब की दुकानें जो है बंद रहेगी, और 15 अप्रैल यानी कल से 15 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक, क्योंकि मीरा भाईंदर में जो है भाजी पाला की मार्केट और फ्रूट की मार्केट बंद कर दी गई थी 14 अप्रैल तक के लिए, लेकिन कल 15 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक इसे वापस 9 बजे से लेकर 12 बजे तक के लिए खोला जाएगा, और इस दरमियान जो भी लोग जो है भाजी पाला ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीद सकते हैं। लेकिन आज के निर्देश के बाद पीएम मोदी के आज के जो संबोधन है, देश को संबोधित जो करते हुए उन्होंने कहा है कि उस हिसाब से जो है पहले से ज़्यादा सतर्कता बरती जाएगी, और अगर कोई जो है सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करता हुआ नहीं नज़र आएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। यानी अब जो है पहले से और ज़्यादा सख्त जो है स्टेप उठाया जाएगा अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करता है, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करता है। तो दोस्तों तैयार रहिए 3 मई तक लॉकडाउन के लिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि जितना ये लॉकडाउन सफल होगा, जितना लोग जो है इस लॉकडाउन को सफल बनाएंगे, उतना ज़्यादा जो है कोरोना से लड़ने में हम देश को सहायता मिलेगी, और जहाँ जहाँ कोरोना से लड़ने में जो है जिस स्टेट में जो है कामयाबी मिलेगी, जिस स्टेट में जो है इसमें कमी आएगी, तो उसके बारे में अलग से पुनः विचार किया जाएगा। थैंक यू सो मच।